चोरी की योजना बनाते हुए अपराधी हुए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी लखनऊ महोदय द्वारा पश्चिमी कार्यालय केसरबाग पर एक प्रेस वार्ता थाना अमीनाबाद पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार इनामी एक शातिर अभियुक्त, तीन अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से असला व अन्य सामान बरामद। क्या पूरा मामला था, क्या क्या बरामदगी इनके पास है? देखिए, थाना अमीनाबाद पुलिस के द्वारा चार अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक जो रवि कालिया है, ये कुख्यात अपराधी है और 30/5/18 को यहाँ न्यायालय में पेशी पे एक मुकदमे में जेल में निरुद्ध था। वहाँ से न्यायालय में पेशी पे आया हुआ था और जो ड्यूटी इसके साथ थी उनको चकमा दे करके उनकी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी के ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और तब से पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही है। अमीनाबाद थाने पे इसके बारे में कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था कि ये इधर इसकी कुछ सक्रियता इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ रही है। इसमें तत्काल क्षेत्राधिकारी कैसरबाग और अमीनाबाद SHO और एडिशनल SHO अमीनाबाद के नेतृत्व में एक टीम बनाकर के इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। इसी बीच सूचना मिली कि अपने तीन अन्य साथियों के साथ अमीनाबाद क्षेत्र में जनाना पार्क के पास मौजूद है और उस इनपुट को डेवलप करते हुए रात में, बीती रात, इसकी गिरफ्तारी अमीनाबाद SHO के द्वारा की गई है। चार अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से एक रविंद्र मौर्या है, जिसके बारे में मैंने बताया 30/5/18 को यहाँ न्यायालय से कस्टडी से फरार हुआ था। इसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित हुआ था। इसके खिलाफ कृष्णानगर, आलमबाग आदि थानों पर कई मुकदमे हैं। ये आलमबाग क्षेत्र में इसके द्वारा एक मुथूट फाइनेंस बैंक में डकैती की गई थी, वहां से लगभग 10 किलो गोल्ड इसके द्वारा लूटा गया था अपने साथियों के साथ, जिस मामले में अरेस्ट हुआ था वहां पे और बाद में फिर जेल में निरुद्ध था। उसी केस में ट्रायल चल रहा था और उसी दौरान फिर ये 30/5/18 को न्यायालय से पेशी पे आया था और वहां से फरार हो गया था। इसके बाकी शेष साथी जेल में निरुद्ध थे उस घटना के और ये जेल से बाहर आने के बाद लगातार फिर सक्रिय होने का प्रयास कर रहा था और नया एक गैंग बना करके फिर से घटनाएं करने के लिए प्रयासरत था। इसके साथ जो दूसरे तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें एक और कुख्यात अपराधी है राजू पहाड़ी, इसके द्वारा एक अधिवक्ता की हत्या की गई थी विभूतिखंड थाना। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।